अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करती हूँ और आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। कल की हमारी एनिवर्सरी में, मसाला मॉर्निंग्स की एनिवर्सरी में आप लोगों का साथ था, आप लोगों ने कॉल्स की, विश की, इतनी सारी दुआएँ दी हम सबको, हमारी रेसिपीज़ को, हमारे शो को अप्रिशिएट किया, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए ताकि हम आपकी फरमाइशें भी पूरी कर सकें और आपके लिए अच्छा से अच्छा शो पेश करने की, रेसिपीज़ बनाने की कोशिश कर सकूँ इंशाल्लाह ताला। आज बुध वाला दिन है और हम करेंगे आज तीन रेसिपी। हनी पेपर विंग्स करेंगे, पास्ता एंड रेड चीज़ सॉस एंड आलू कीमा। आलू कीमा मैं चिकन के कीमे से बनाऊंगी। देखें, आलू कीमा बेहतर होता है अगर आप मोटे हाथ के कुटे हुए कीमे से बनाओ, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने कहा बीफ अगर लूँगी तो बहुत टाइम लगेगा बनने के लिए, इसलिए मैंने चिकन का कीमा लिया। और चिकन का कीमा हमेशा बताती हूँ, कोई भी चीज़ आप चिकन की बना रहे हो तो प्लीज़ वो लिया करें, ब्रेस्ट एंड लेग दोनों को बोनलेस करा के हाथ से कुटा हुआ कीमा बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी आज की तीन रेसिपीज़ हैं। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हनी पेपर विंग्स। आज का सवाल आपसे करती हूँ जिस पे आप जीत सकेंगे एनएक्स का हैंड बीटर। और सवाल आपका आज का ये है, बहुत ही आसान सवाल है और सबको आता है। सवाल ये है कि कल हमने मसाला मॉर्निंग्स की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, ठीक है, और आज तड़का की एनिवर्सरी है, तो तड़का की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, ये आप आज का सवाल है। मेरी भी कल कौन सी एनिवर्सरी थी मसाला मॉर्निंग की और आज तड़का की कौन सी एनिवर्सरी है, ये आज का सवाल है। तो आप जल्दी जल्दी अपने कॉल्स, फ़ोन्स उठाइए, हमें कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, हमें SMS करके 8881 पे अपना सही जवाब भेज सकते हैं अपने NIC नंबर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहले हम बनाएंगे हनी पेपर विंग्स। हनी पेपर विंग्स के लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, ठीक है, चिकन विंग्स हमने लिए, लेकिन आज की जो चिकन विंग्स हैं दोज आर विदाउट स्किन, आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा, विदाउट स्किन है ये हनी पेपर विंग्स आज की। आधा किलो मैंने ली है विंग्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पास्ता के लिए मैं एक काम कर रही हूँ, काफ़ी देर से पानी चढ़ाया हुआ है बॉईल करने के लिए हमारा पास्ता, इसमें हम थोड़ा सा इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे स्वाद का, जिसमें लो सोडियम है। ये डालने के बाद मैं इसमें इटालिया का कोई सा भी शेप पास्ता डाल दीजिए, परफाले शेप का पास्ता ले रही हूँ, आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं इटालिया का। तीन चौथाई पैकेट मैंने डाला है, ठीक है, और फौरन से इसको हिला लीजिए ताकि ये अंदर जाके जुड़ ना जाए। ओके, हनी पेपर विंग्स के लिए सब में पहले इसके तीन स्टेप्स हैं, गौर से सुनिए। पहला स्टेप इसका ये है कि आपको टेम्पूरा फ्लावर बनाना है, टेम्पूरा मिक्स 1 कप। अच्छा, इटालिया का टेम्पूरा मिक्स आता है लेकिन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, तो हम खुद बनाएंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। आप इटालिया का टेम्पूरा मिक्स ख़रीद लीजिए जो कि बाज़ार में मिलता है, या आप ख़ुद बना लीजिए। अच्छा, ख़ुद बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको टेम्पूरा मिक्स के लिए चाहिए, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है 3/4 कप मैदा,
तीन चौथाई कप मैदा रखा हुआ है मेरे पास और 6 ounces, ठीक है। इसमें मैं शामिल करूँगी 6 tablespoons कॉर्नफ्लावर इटालिया का, छः टेबल स्पून आप फ्लावर कॉर्नफ्लावर ले लीजिए इटालिया का, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेनिला कस्टर्ड पाउडर, ये रखा हुआ है मेरे पास 6 tablespoons। ठीक है, ये चला गया। 1/8 teaspoon इटालिया का बेकिंग पाउडर, बहुत थोड़ा सा, लेस देन 1/4 teaspoon। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, इटालिया का ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, स्वाद का नमक 1/2 चाय का चम्मच और ठंडे पानी से हमें इसका बैटर बनाना है। सॉल्ट ज़्यादा है, सॉरी, 1 teaspoon सॉल्ट, ठीक है, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर एंड चिल्ड वाटर टू मेक बैटर। बहुत थिक भी ना हो और बहुत थिन भी ना हो, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हो। अब हम 1/2 किलो विंग्स हैं हमारे पास, चिकन विंग्स, जिसको हम मैरिनेट करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 tablespoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, लेमन जूस 2 tablespoon, गार्लिक पाउडर 1 teaspoon और टेम्पूरा मिक्स हमारे पास 1/2 cup। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ठीक है, और फिर हम चले जाते हैं ब्रेक पे। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 tablespoon, ये देखें विंग्स विदाउट स्किन, फ्रेश मुर्गी वाले से लिए, 1 tablespoon ये हो गया जिंजर गार्लिक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 tablespoon, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर
जीरा, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। ये चला गया, लेमन जूस चला गया, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और बस जिंजर गार्लिक। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ रही हूँ, वापस आके इसको हम फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। और यहाँ पे आप देखें, मैंने जो टेम्पूरा मिक्स बनाया है, इसमें ठंडा पानी डाल के आपको उसको बैटर का फॉर्म देना, और फिर ड्राई मैदे में या ड्राई टेम्पूरा मिक्स में आप उसको कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। पहले बैटर में जाएगा, फिर ड्राई टेम्पूरा मिक्स थोड़ा सा आप ज़्यादा बना लीजिएगा। और अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप ड्राई मेरी तरह मैदा ले लो। सिंगल लेयर में आप ये विंग्स को फ्राई करेंगे। अब इसकी हम जल्दी से आते हैं और बनाते हैं लेमन पेपर सॉस। जहाँ जगह खाली है वहाँ विंग्स डालिए, एक के ऊपर एक विंग्स नहीं जाएंगे, वरना क्या होगा कि इसका फ्लावर, इसका बैटर सब बाहर आ जाएगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स आप इसको फ्राई करेंगे ताकि आपकी विंग्स बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। आजकल तो मैं देखती हूँ हमारे घर में मेरे नवासे नवासियाँ, दे लव विंग्स, किसी भी फॉर्म में उनको विंग्स चाहिए होते हैं। बल्कि जो ये फ्राइड चिकन की मशहूर चेन है, उससे ये लोग चिकन नहीं मंगाते हैं बल्कि विंग्स मंगाते हैं। तो आप ख़ुद घर में बनाएँ और बच्चों को दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत खुशियों के दिन है। अल्लाह पाक हमको हर साल ये दिन दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन बेटा। मैंने कल भी बहुत कोशिश की आपको कॉल करने की, लेकिन कल मेरी कॉल नहीं लग सकी। लेकिन बहुत सी दुआएं आपके लिए भी और रिदा आपी के लिए भी। माशाल्लाह दोनों को 13 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है जी। 2009 में ज्वाइन किया था आप लोगों ने और 13 ईयर्स हो गए। बिल्कुल, मैंने सुबह किया था 11 बजे, उसने 3 बजे किया था, 3 से 4। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। बस अब मैं और नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। मैं अब इसको हटा रही हूँ यहाँ से, बिकॉज़ एक तो मेरी कढ़ाई में जगह भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि टाइम भी कम है, मुकाबला आज मेरा सख्त है। ओके, मैं देखें चम्मच बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ इसमें। बिल्कुल चम्मच नहीं डाल रहे। ओके, अब मैं इसकी बनाने जा रही हूँ हनी लेमन ग्लेज, ठीक है। हनी लेमन ग्लेज के लिए मुझे 2 औंस मक्खन चाहिए,
कौन सा मक्खन लेंगे हम? लूणपाप का बेहतरीन बटर 2 ounces, बटर लूणपाक का चला गया। इसमें हम डालेंगे जस्ट 1 tablespoon ऑफ ऑयल, ओनली 1 tablespoon। पता है क्यों जाता है ऑयल? ताकि वो इवेपरेट ना हो, जले ना। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्लाह जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी जो 13th एनिवर्सरी गुजरी है कल। थैंक यू। मैं आपके साथ 2009 से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपकी बहुत पुरानी व्यूअर हूँ। जबरदस्त बेटा, मैं आपके रेगुलर शोज देखती हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा रेसिपी ट्राई करती हूँ। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। मैंने आपको दो बातें जरा सजेशन देनी थी। बोले आपा, आपने शेफ नईम तो बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, लेकिन आपने बेकिंग क्यों छोड़ दी? आप इतनी अच्छी बेकिंग करती थी, आपकी रेसिपी में बेकिंग बहुत कम हो गई है। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा, मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ। इसका रीज़न ये है कि आप देखो, मंडे से ले कर संडे तक डेली हमारा एक बेकिंग का शो आता है। 7 करते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है? थर्सडे फ्राइडे सभा करती है, सैटरडे संडे जरनक करती है। फिर आप मुझसे भी बेकिंग सीखोगे तो ये इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिशेस कौन सिखाएगा? मैं कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है। परसों भी कराया ना कपकेक, कराऊंगी ऑफ एंड ऑन, महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा ज़रूर कराऊंगी, ठीक है बेटा? अच्छा, ये देखें, हमने जिंजर गार्लिक डाल दिया। जिंजर गार्लिक के साथ मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जिंजर गार्लिक के साथ 1/4 cup, नहीं 1 मिनट, हनी इटालिया का 1/4 cup, 4 tablespoon भर के हनी चला गया, लेमन जूस 4 tablespoon, सॉल्ट ब्लैक पेपर एंड पेपरिका 1/2 teaspoon, पेपरिका 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, स्वाद का नमक 1/2 teaspoon। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी सॉस थिक होगी और ये हमारे हो जाएंगे क्रिस्पी ब्राउन, तो हम इसको निकाल के इसमें जल्दी से टॉस कर लेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है? मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हनी पेपर विंग्स इसी सॉस में हमने डाली और 5 मिनट के लिए पकाया। हरी प्याज के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया। अब आप आ जाइए आलू कीमा। आलू कीमा के लिए मैंने 1/4 cup तेल लिया, उसमें साबुत गरम मसाला डाला, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी। ये डालने के बाद 1 बड़ी प्याज स्लाइस डाल दी और इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ऐसी हो जाए हल्की कच्ची पक्की, ठीक है? अब इसमें मैं शामिल करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 tablespoon, थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं,
स्वाद का नमक 1 टीस्पून, स्वाद का चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, स्वाद की हल्दी 1/4 टीस्पून। और जैसे ही ये हो जाए प्याज, तो हम पहले आलू डाल रहे हैं, बिकॉज चिकन का कीमा है तो आलू उसके साथ ही गलेंगे। आलू हमेशा कीमे में ऐसे चौकोर करते हैं। ठीक है, मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, ओके, स्वाद की हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। स्वाद का चिली पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, यानी कि 3/4 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे नमक, डाल चुके हैं चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला हम एंड में डालें। अब इसमें आप टमाटर डाल दीजिए, पहले 2 मोटे मोटे चॉपर किए हुए। मेरा कीमा आलू बहुत मज़े का बनता है, मैं खुद कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर आज ही बनाओ। 3 से 4 गड्डी इसमें छोटी मेथी भी जाती है। और इसमें हम डालेंगे चिकन का कीमा। बस अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, आपको 13 एनिवर्सरी मसाला मोड़ने की, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। 13 साल आपके साथ गुजरे आंटी, पता ही नहीं चला, बहुत कुछ सीखा आपसे। और मैं ये कहूँगी कि हमेशा की तरह आज भी मेरा खुलूस, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सदा ईमान की सलामती, सेहत और खुशियों से माला माल रखे, आपका हर दिन रहमतों और नेमतों से भरपूर हो। आमीन। अगर तुम चाहो कि तुम मुझको तुम्हारी सांस से पहले तुम्हारी जान बन जाऊं, अगर देखो कि तुम मुझको तुम्हारी आंख से पहले तुम्हारे ख्वाब बन जाऊं, अगर सोचोगी तुम मुझको तुम्हारे पाँव से पहले तुम्हारी राह बन जाऊं, मोहब्बत नाम है मेरा, मुझे तुम सोच के देखो शीरीन। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आबाद रहो हमेशा, अल्लाह तुम्हारा नसीब बुलंद करे। अच्छा देखें, रिपीट कर रही हूँ जल्दी से। मैंने लिया 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें 1 बड़ी प्याज स्लाइस डाल दी, साथ में साबुत गरम मसाला मिक्स 1 टेबल स्पून डाला और प्याज को कच्चा पक्का किया। अगर चिकन का कीमा बना रहे हैं तो पहले आलू डाल दीजिए, अगर बीफ का बना रहे हैं तो आलू बीफ के गलने के बाद डालेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने आलू डाल दिए, आलू के बाद आपने टमाटर डाले, 2 चॉपराइज किए हुए मोटे मोटे, ये चॉप 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 करके डाल दें, अच्छी तरह उसको भूने मसालों के साथ। 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला पाउडर जाएगा बिल्कुल आखिर में, ठीक है? ये चला गया, फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको भूना और इसमें चिकन का कीमा 1/2 किलो शामिल कर दिया, जो कि लेग और ब्रेस्ट दोनों का बना हुआ है, मोटा हाथ से बना हुआ कीमा।
वो डाल दिया मैंने, वो डालने के बाद इसको कवर करके छोड़ दिया। जब कीमा और आलू गलने पे आ जाएंगे तो हम इसमें छोटी मेथी, ये साबुत हरी मिर्चें 4 और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे और बस आपको पेश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके थर्ड रेसिपी की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रेड सॉस पास्ता। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। तीसरी रेसिपी पे आ जाइए। बहुत थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2-3 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा 2 ounce बटर, 2 lb का। अच्छा, इसकी सॉस मैं घर से बना के लाई हूँ। इसकी सॉस में क्या था, आपको 2 टमाटर 4-4 टुकड़े करके लेने थे, और लाल वाली शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर मैंने आधी ली थी, उसके बाद 1 teaspoon क्रश्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन, 1 हरी प्याज चॉप्ड, और 1 छोटी नॉर्मल प्याज चॉप्ड, और ग्रीन कैप्सिकम चॉप्ड आदि। इसको मैंने लिया सारी चीज़ों को और क्वार्टर कप तेल में फ्राई करके निकाल लिया ज़रा सा 2 मिनट के लिए। फिर इन सारी चीज़ों को उसी तेल में ब्लेंड कर लिया, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, छोटी प्याज, हरी प्याज, लहसुन और टमाटर, ये सारी चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लिया और ये सॉस रखी हुई। अब हमने बटर लिया, ऑयल लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ अनियन चॉप्ड या डाइस्ड, थोड़ा सा इसको हम कच्चा पक्का करेंगे, और हम इसमें चिकन डाल देंगे बोनलेस। बड़े मज़े का पास्ता बनता है ये। अब मैं इसको हल्का कर रही हूँ ताकि ये दम पे आलू और कीमा, कीमा तो खैर गल चुका होगा, आलू का मसला है। इसको हम प्याज को सिर्फ मुझे सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी लाल या ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज सॉटे हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड चिकन, 1 मुर्गी का सीना छोटे क्यूब्स में काट के 250 ग्राम, और इसको 2 मिनट कुक करूंगी जब तक पिंक से चिकन हमारी वाइट हो जाए। बहुत मज़े का पास्ता होता है, जिसको जो पास्ता लवर्स है ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें, चिकन पिंक से वाइट हो गई है, हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon, अच्छा मैंने कीमे में हरी मिर्चें डाल दी थी, ठीक है, गरम मसाला डाल दिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, और हम इसमें डालेंगे, अब इसके नीचे लिखा हुआ है टोमेटो पेस्ट की सारी अज्जा, इसमें जाएगी क्रीम 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक की, क्रीम चीज़ पक्की 3 टेबलस्पून्स, ज़रूर बनाइए आज ही। ठीक है, ये चली गई पिज्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस, मैं पिज्ज़ा सॉस डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon,
इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर के बाद चिली पाउडर हाफ टी स्पून, पेपरिका हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर, पेपरिका हाफ टी स्पून, स्वाद का चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ये चला गया। इसके बाद क्रश रेड पेपर, ऑरिगैनो और ये जो सॉस हमने बनाई थी ब्लेंड करके सारी वेजीज को, बहुत मज़े का है, मैं आपको बता रही हूँ। ये पास्ता कोई भी शेप ले लीजिए। अच्छा, पेपरिका, चिली पाउडर, चिकन पाउडर डाल दिया, नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें वो हम ऊपर से डालेंगे अपने डिश में, ठीक है। और हमें चाहिए ऑरिगैनो, इटालिया का बेहतरीन ऑरिगैनो, हाफ से वन टीस्पून आपकी चॉइस के ऊपर है, जितना आपको पसंद है। ज़्यादा इटालियन फ्लेवर देना है वन डाल दें। ऑलिव्स, स्लाइस्ड, मैं ब्लैक डाल रही हूँ, आप दोनों भी डाल सकते हो। पास्ता, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, बहुत माफ़ी चाहती हूँ, जिसमें हमने पास्ता बॉईल किया है ना, वो पानी हमें बचाना था एक कप, और वो पानी इसमें जाता। अब बहरहाल मैं वो भूल गई हूँ, तो मैं नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ एक कप। ठीक है, बस ये 5 मिनट कुक होगा और ये हमारा तैयार है। इसमें हम डालेंगे चीज़, चेडर चीज़ थोड़ी ऊपर से, या मोज़रेला जो भी आपको पसंद है। अच्छा, कीमे में जा रही है छोटी मेथी, 2 से 3 गड्डी, हरा धनिया, हरी प्याज पास्ता में, बस दिस इज रेडी। शक्ल देखें इसकी, प्लीज इसको ज्यादा नहीं सुखाइएगा, ये ऐसे ही सॉसी होना चाहिए, ऐसा थोड़ा पकेगा 5 मिनट और हम इसको डिश आउट करेंगे। और कीमा भी हमारा तकरीबन रेडी है। ठीक है, चलें ब्रेक पे। बस मैं सिर्फ जरा सा आलू देखना चाह रही हूँ कि आलू गल गया है तो कीमा तो गला हुआ है। फर्स्ट क्लास, ये देखें। ठीक है, बस 5 मिनट इसको हम भून रहे हैं, ये भी तैयार है। तेज आंच पे करके 5 मिनट इसको भून लें। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, उसको भी मैं डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं आपसे रीकैप ब्रेक के बाद। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तीनों डिशेस रेडी हैं। हमने लेमन पेपर
विंग्स बनाए, पास्ता एंड रेड चीज़ सॉस, जो थोड़ी सी चीज़ बची थी वो ऊपर हमने डाल दी। देखें गरम गरम पे डाली, मेल्ट भी हो गई। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स डाले और थोड़ा सा रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क दी। और उसके बाद में हमारा कीमा आलू, तो बस ना पूछें। इसको हम लोग हमारे घर में हम लोग रोटी के साथ तो खाते हैं, लेकिन जो खिचड़ी होती है ना, जो कड़ी के साथ हम मेमन लोग खाते हैं, उसके साथ खाते हैं। नरम खिचड़ी नहीं, जो भुनी खिचड़ी होती है, मूंग की दाल या मसूर की दाल और चावल वाली, कीमा इतना मज़े का लगता है। ठीक है, मैं अपनी टीम और मेरी तरफ से रिदा को बहुत बहुत 13th एनिवर्सरी तड़का के लिए मुबारक हो रिदा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाए और आपका शो भी इसी तरह तरक्की करता रहे। आज की हमारी विनर है अमीना फ्रॉम लाहौर, और तड़का पे आज बन रहा है पनीर टिक्का, पकोड़ा, मिर्च, ओ यम, और सफ़ेद चनों का सालन। ठीक है, ये बन रहा है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज की सारी डिशेस वर्थ ट्राइंग है, प्लीज़ डू ट्राई। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त, वो है, और एक और कोई चीज़ है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो चुकंदर गोश्त आप आधा किलो बीटरूट, कच्चा बीटरूट डालूंगी, बॉईल करके नहीं, छील के उसको कद्दूकश करना है कच्चे को। ठीक है, और आधा किलो आपको मटन चाहिएगा। अगर मेरे साथ बनाना है तो आप ये दो चीज़ मंगवा के रखिए। चलें जी, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।